This is chicken? Yeah. Okay, give me this one. This chicken wale leta hu bhai, ek plate. इतना ज्यादा करप्शन किसी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में मैंने पहली बार देखा मेरी लाइफ में। अभी तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगी रही है, ये स्टॉल वगैरह जब खाने वाने की पूरी तैयार हो जाएगी ना, फिर रात को भाई रात को आएगा यहाँ पे मजा। ये देखो यहाँ पे थाई मसाज। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडोर ट्रेकर। तो अभी हम हैं जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज काफी दिनों बाद अपन फिर से ट्रेवलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली उज्बेकिस्तान के बाद वहाँ पे मूड बहुत ज़्यादा खराब था, तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से चलते हैं जयपुर इंडिया और थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, उसके बाद फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे ट्रेवलिंग। तो अभी मैं हूँ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से आप लोगों को बता दूँ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरा पहला इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो अभी तो आप लोग ये जयपुर का थोड़ा सा नाइट का भी देख लो। मैं चलता आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाइक पे उबर बुक ओला बुक करके आया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी आप लोगों को जयपुर एयरपोर्ट भी दिखाई देता हूँ। अरे हाँ, वो बताना तो भूल ही गया यार, जा कहाँ रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं आज थाईलैंड। ये देखो, ये है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से मेरा ये पहला फ्लाइट है यार, पहला इंटरनेशनल फ्लाइट है। डोमेस्टिक भी मैंने ज़्यादा नहीं लिए, एक फ़्लाइट लिया डोमेस्टिक, जो जब मैं लास्ट टाइम उज्बेकिस्तान गया था तो मेरी फ़्लाइट थी जयपुर से अहमदाबाद, बस एक डोमेस्टिक। और ये आज पहला इंटरनेशनल फ्लाइट है मेरा जयपुर से, तो मैंने सोचा क्यों ना जयपुर एयरपोर्ट दिखाया जाए आप लोगों को यार। तो अभी यहाँ पे जो इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह है वो सारा सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया है। बोर्डिंग पास में उन्होंने रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी। रिटर्न फ्लाइट टिकट मैंने डमी टिकट बुक कर रखी थी जो रिटर्न ऑनवर्ड्स है ना वहाँ से, तो वो चेक भी कर रहा था बंदा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट नया है, मेरे पासपोर्ट नए वाले पासपोर्ट मैंने के उसको एक पासपोर्ट दिया नया वाला, उसमें एक भी स्टाम्प नहीं है, एक भी वीज़ा नहीं है उसमें। तो वो सोचा नया नया बंदा है, तो वो काफ़ी देर तक तो चेक करता रहा। फिर मैं एक और पासपोर्ट मैंने हाथ में ले रखा था, तो उसने वो पासपोर्ट देखा, वो पूरा भरा हुआ था, तो फिर उसने और कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया, ना ही कोई होटल बुकिंग पूछी, ना ही फिर वो डमी टिकट था उसको भी चेक नहीं किया। फिर बोला कि तुम्हें पुराने पासपोर्ट की भी आप पे भेज रहा हूँ, बाकी मैं सारा सब कुछ चेक करता, होटल बुकिंग वगैरह, ये जो डमी टिकट के पी एन आर है ये सब वगैरह। फिर हम लोग आते हैं इमिग्रेशन वाले पार्ट में, तो वहाँ पे उन लोगों ने भाई मतलब होटल बुकिंग भी पूछी और रिटर्न टिकट भी पूछी। इमिग्रेशन वैसे नॉर्मली पूछते नहीं है यार, ऐसे बहुत कम पूछते हैं। तो सुबह यहाँ से लगभग अभी 10:30 बजे की फ़्लाइट मेरी रात की, और 9:30 ऑलरेडी हो गया है, और मैं लगभग सुबह 4:30 बजे के लगभग बैंकॉक लैंड हो जाऊँगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, उनमें मैंने एक इंडोनेशिया घूमी, उसके अलावा कोई भी कंट्री विजिट नहीं की है मैंने। तो चलते हैं, कल मॉर्निंग में हम लोग पहुँच जाएंगे, और मुझे नहीं पता कितने दिन का होगा और थाईलैंड की आएगी मैं कौन सी कंट्री। एक मन करता है मैं म्यांमार चला जाऊँ, एक मन करता है मैं वहाँ से वियतनाम चला जाऊँ, एक मन करता है मैं लाओस से चाइना का वीज़ा लेके चाइना एंटर कर जाऊँ, कोई भी फिक्स नहीं, क्योंकि मेरे पास रशिया और मंगोलिया का वीज़ा ऑलरेडी है। तो एक मन करता है कि मैं चाइना का वीज़ा लेके चाइना एंटर होते हुए बाईलैंड बॉर्डर से मैं मंगोलिया और फिर बाईलैंड बॉर्डर मैं रशिया एंटर कर जाऊँ, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है, कोई प्लान फिक्स नहीं। बस अभी ये है कि थाईलैंड कम से कम एक वीक के लिए हम लोग थाईलैंड में रहेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ थाईलैंड चल के मैं डिसाइड करूँगा कि मैं जाऊँगा कहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्डिंग है जो वो हो गया स्टार्ट, और मैंने टिकट बुक किया वो थाई एयर एशिया था, लेकिन ये यहाँ पे बोर्डिंग पास मिला है केवल एयर एशिया का, तो शायद पता नहीं एक ही होती होगी या इनका कोई टाइप वगैरह होगा। तो अभी चलते हैं। दस पैंतीस का फ्लाइट अभी हो गया, मतलब 11 बज गए और अभी इनका प्रिपरेशन चल ही रहा है। मुझे लगता है कि ये लगभग 1 घंटा लेट होने वाली है। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ थाईलैंड और यहाँ का इमिग्रेशन मुझे पूरे के पूरे 2 घंटे लगे यहाँ का इमिग्रेशन करने में, और इतना गंदा है ना भाई, इतना गंदा है पहुँचो मत, और इतने करप्ट है ना भाई, इतने करप्ट। मैं ये चल के अभी तो क्या ही, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी टाइम हो गया सुबह का लगभग 6:30 हो गए, तो मैं हॉस्टल जाइए पूरी कहानी बताऊंगा आप लोगों को।
इतना करप्शन तो मैंने शायद किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा होगा इमिग्रेशन में। ये देखो ये है कुछ यहाँ का एयरपोर्ट थाईलैंड का। मैं सोच रहा था एक जगह स्टाम्प लग गया मतलब हो गया ये जो है इमिग्रेशन हो गया वीजा मिल गया, लेकिन यहाँ पे दो दो तो स्टाम्प लगे। देखो एक नीचे पहले 2 घंटे लाइन में लग के और ये ऊपर वाला स्टाम्प लगवा के लाओ, फिर उसके बाद ये इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आओ, वो फिर आपको वीजा इशू करेगा। अब भाई यहाँ का खतरनाक ही है भाई। अभी यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है ना वो है लगभग 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर यहाँ पे टैक्सी एप्लीकेशन है ग्रेब, वो मांग रहा है, वो चार्ज कर रहा है 300 बाद। 300 बाद का मतलब वो ये हो गया कि आप ये मान के चलो कि 750-750 इंडियन रुपीज, तो 25 किलोमीटर का, वो भी बाइक वाला, फोर व्हीलर वाला नहीं, कार वाला नहीं, बाइक वाला। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों से पूछा कि यार कोई बस बताओ मेरे को। अब यहाँ से A4 बस जाती है, अभी मैं हूँ डॉन न्यांग ऐसा ही करिए कुछ नाम है इस एयरपोर्ट का, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ये देखो ये है जो अभी मुझे खाओसान जाना है, मैंने खाओसान एरिया में हॉस्टल बुक किया है और ये यहाँ की बसें कुछ ऐसी है। मेरी जो बस है A4 आएगी, A4 जाएगी खाओसान। और ये है भाई साहब यहाँ के एयरपोर्ट, बस जस्ट एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट रहा और एयरपोर्ट के बगल में आप लोगों को ये बस स्टैंड मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से बस ले सकते हैं। तो ये आ गई अपनी A4 जो कि यहाँ से जाएगी खाओसान के लिए। अभी आप लोगों को बस भी दिखाता हूँ यहाँ की। ये है यहाँ की AC बस है, ये आगे सीट वगैरह बहुत कम होती है इसमें, सारी सीट पीछे ही होती है। अभी मैंने यहाँ से सिम कार्ड भी परचेज किया, वैसे आप लोगों को बता दूँ सिम कार्ड में मुझे 400 बाद में पड़ा है, 400 बाद में 8 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा मिला है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिली है। अपने तो 300 रुपये में मिल जाता है साला इतना सा। तो इंटरनेट तो इंडिया में बहुत चीप है, इंडिया से जितना सस्ता इंटरनेट अभी तक जिस भी कंट्री में घुमा उसमें से किसी में नहीं मिला मुझे अभी तक। अभी जो बैंकॉक का सिटी सेंटर है ना, जो खोसान है ना, बैंकॉक का खोसान पार्ट है ना, खोसान एरिया, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। हॉस्टल यहाँ से है मात्र 900 मीटर। तो ये अच्छा हुआ कि बस ना सीधा मेरे हॉस्टल को जा रहा है, ये मान लो वाला 900 मीटर है, 900 मीटर तो मैं पैदल भी चला जाऊँगा। और बस है जो सारी की सारी खाली हो गई है, आप लोग देख लो। तो अभी चलते हैं यार, आराम करूंगा भाई, बहुत थक गया मैं। सो फाइनली मैं उतर गया हूँ मेरी बस से, और बस एग्जैक्ट बस 50 मीटर दूर मेरी जो हॉस्टल है ना वहाँ पे लाके मुझे छोड़ी है। ये अच्छा हुआ कि मेरे टैक्सी का पैसा बच गया था। हम लोग चलते हैं हमारे हॉस्टल को, और अब आप लोगों को यहाँ की सुबह सुबह की हलचल दिखाते हुए भी चलता हूँ। ये देखो यहाँ पे लोग है जो बसों का वेट कर रहे हैं। जो कोसान एरिया है ना वो बैंकॉक का ही मान लो कि सिटी सेंटर है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह नींबू वगैरह, अभी यहाँ पे ठेले वगैरह खुल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में देखो जूस वूस वगैरह के यहाँ पे काफी सारे ठेले वगैरह लग जाएंगे। यहाँ पे देखो मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये देखो यहाँ पे मालाएं वगैरह सुबह सुबह मालाएं वगैरह ये लोग तैयार रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बता दो अभी है समर सीजन, यहाँ पे गर्मी का टाइम है। यहाँ पे दिन में टेम्परेचर जो 38-40 के लगभग चला जाता है, जितना इंडिया में है ना उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर रहता है अभी। तो देखते हैं यार गर्मी का कैसा एहसास होता है थाईलैंड का। जय देखो भाई यहाँ पे सुबह सुबह ये फ्रूट बेचे जा रहे हैं, कौन कौन से फ्रूट बाद में करेंगे यार एक्सप्लोर, तो अभी तो थोड़ा सा आराम करेंगे, अभी एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, अभी सबसे पहले चल के चेक इन करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है थाईलैंड इंडोनेशिया वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। सो भाई फाइनली मैं पहुंच गया मेरे हॉस्टल में, और ये पीछे जो दिख रहा है खाओसान स्टेशन, ये मेरा हॉस्टल है। और ये देखो जहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया है ना वहाँ का बाहर का पार्ट कुछ ऐसा है, बाहर की रोड वगैरह कुछ ऐसी है, सड़कें वगैरह आप लोग देख लो। ये है मेरा हॉस्टल, अभी यहाँ पे मैं करूँगा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे है ये मेरा नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट, वो ब्रेड हो गई, ये कॉफ़ी हो गई, वो कुछ फ्रूट वगैरह वाटरमेलन। भाई अभी कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर बताता हूँ आपको यहाँ का इमिग्रेशन का जो राम कहानी है वो क्या लोचा है, क्या झोल है यहाँ के इमिग्रेशन में। आप लोग कभी थाईलैंड आओ तो वो थोड़ी सी सावधानी बरतना, कभी भी थाईलैंड आओ तो मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वापस मैं ब्रेकफास्ट करके मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, सोऊंगा यार अभी तो। और यहाँ पे ये देखो आप लोगों को ना ये हटवाड़ा लगाए यहाँ पे जूतों और चप्पलों का, ये देख के आप, ये हटवाड़ा देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस हॉस्टल में कितनी भसड़ होगी। देखो यार ये अपने वाले मैंने कोने में खोले मेरे वाले शूज, यहाँ पे देखो
पहली बार देखा है मैंने किसी भी होटल या हॉस्टल में इतना अठवाड़ा। सो गाइज, ये है मेरा हॉस्टल। इसमें बेड हैं 12 डॉर्मेट्री बेड हैं, और ये एक डॉर्मेट्री बेड मेरा सबसे लास्ट वाला डॉर्मेट्री बेड है, तो वो मुझे पड़ा है 450 इंडियन रुपीस। तो डॉर्मेट्री बेड तो कुछ ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन देखो भाई साहब ये 12 है, ये देखो। रात को पता नहीं यहाँ पे कोई खर्राटे लेगा, कोई क्या करेगा, मुझे नहीं पता नींद कैसी आएगी। ये वाला है मेरा, ये सामान वामान मैंने डाल रखा है। यहाँ पे थाईलैंड में ना हॉस्टल वगैरह काफी सस्ते मिल जाते हैं आपको। ये 450 का हॉस्टल है, आपको 300 में मिल जाएगा। इवन की 250 रुपए में भी, शायद 250-300 रुपए में भी आपको हॉस्टल मिल सकता है। हॉस्टल वगैरह थाईलैंड में बहुत सस्ते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं है। और यहाँ पे खाना पीना भी बहुत सस्ता है, आपको फूड वगैरह काफी सस्ता मिल जाएगा। तो अभी तो आज मेरा पहला दिन है, अभी रात को यहाँ का कोई मार्केट वगैरह घूमूंगा। और अब मैं आपको इमिग्रेशन का बताता हूँ। यहाँ पे इतनी भसड़ मची है ना भाई साहब, इतना वो कर रखा है इन लोगों ने, गंदा हाल कर रखा है, पूछो मत यार। मतलब इतना ज्यादा करप्शन किसी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में मैंने पहली बार देखा, मेरी लाइफ में पहली बार देखा। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे ना आप लोगों को एक तो इतनी भीड़ है, जैसे भेड़ बकरियों की तरह, मतलब यूं लगा रहता है। और यहाँ पे पता नहीं कितने तो काउंटर बना रखे हैं साला, जो जिस हिसाब से उनको रिश्वत देगा ना, ब्राइब देगा, उसी हिसाब से काउंटर में जाना पड़ेगा, जो ज्यादा दे रहा है वो पता नहीं अलग अलग। मैं भाई 4-5 में गया, मेरे को घुसने ही नहीं दी भाई साहब। लास्ट में जो जहाँ पे बाड़े में भीड़ भर रखी थी वहां पे मेरे को भेजा, मतलब उधर जा भाई। मैं हर जगह गया तो नहीं घुसने दिया, तो फिर मैंने बोला यार ये हद भाई इनका। और वहां भी पता है हम लोग लाइन में लगे हैं और बाकी साइड से लोगों का ले रहे हैं, मतलब यूं ग्रुप में लेके जा रहे हैं, और उन लोगों से किससे 300 बात ज्यादा ले रहे हैं, किससे 400 बात, किससे 500 बात, मतलब फटाफट वीजा देने का। हम लोग लाइन में लग के आए, कम से कम मैं 1.5 घंटा लाइन में लगा रहा। तो फिर लाइन में लगने के बाद भी फिर 200 बात ज्यादा लिए, जो लाइन में लगे थे ना उन सबसे भी 200 बात ज्यादा लिए। तो भाई यहाँ पे शर्म ही नहीं आती, मतलब यूं, और मतलब सीधा बोलता है भाई 200 बात एक्स्ट्रा दे। वो जो पासपोर्ट लेता है ना, वो स्टाम्प लगाने वाला थोड़ा अंदर बैठा होता है, और काउंटर पे केवल वो पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए एक बंदा रखते हैं, वो सीधा बोलता है भाई 200 बात एक्स्ट्रा दे। मैंने बोला 200 बात किस बात के, और वो पासपोर्ट देके बोलता जाओ। मैंने बोला हद है यार। अब यहाँ पे ना मजबूरी में आप लोगों को देना पड़ता है, आप लोग मना नहीं कर सकते। मना कर सकते हैं तो रिपोर्ट के लिए तैयार रहे, ऐसा होता है। तो पता नहीं यार ऐसा है यहाँ का सिस्टम, बहुत ही गंदा है भाई। थाईलैंड का इमिग्रेशन सिस्टम बहुत गंदा लगा मेरे को, इतना गंदा कहीं का नहीं लगा मेरे को, सही बता रहा हूँ। और दूसरी बात, भीड़ इतनी होती है यहाँ पे, वीजा फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप लोग ना अपना पेन लेके आना भाई साथ में, है ना। पेन के लिए आप लोग, मैं कम से कम 20 मिनट इधर उधर भटकता रहा, किसी ने पेन नहीं दिया। तो पेन जरूर लाना थाईलैंड आओ ना, तो वरना आपके 15-20 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ लगती है यार, समझ में नहीं आता इतनी, वो पूरा एयरपोर्ट भरा रहता है। तो पेन वगैरह लेके आना। और ये थोड़ा सा इमिग्रेशन वाला तो है भाई, आपको 200 बात तो ज्यादा देने ही पड़ेंगे, भले कोई सी भी लाइन में, कितनी भी लंबी लाइन में लग के आओ, तो बहुत गंदा सिस्टम है। और आप लोग आओगे ना तब मालूम चलेगा आपको क्या खचाड़ा, क्या गंदा सिस्टम है यार। और फिर उसके बाद भी पता नहीं दो जगह स्टाम्प लगाते हैं, एक जगह तो आधा मतलब 1.5 घंटा खड़ा रहा वहां पे, कोई स्टाम्प लगाए इन्होंने पासपोर्ट में, फिर उसके बाद अलग से एक और काउंटर है वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठते हैं, उधर शायद पता नहीं वो कौन बैठते थे जो पहले स्टाम्प लगाया था वहां पे, शायद पता नहीं इनके जो टट्टू वट्टू बंदे हैं वो बैठते होंगे, तो वो वहां पे कुछ स्टाम्प लगाते हैं। फिर उसके बाद अलग से जाओ वहां पे, वो एक और स्टाम्प लगाएंगे कि आपका वीजा इतने दिन के लिए वैलिड है, जो भी है काउंटर में, वो भी वहां भी लाइन लगना पड़ेगा, 15-20 मिनट वहां पे लगेगा आपको। बहुत गंदा खजाड़ा सिस्टम है यार। तो अभी तो शाम को, अभी तो मैं यहाँ पे हॉस्टल में ही हूँ, अभी हॉस्टल में कोई नहीं है, खाली पड़ा है, सारे के सारे घूमने गए हैं, मैं ही पड़ा हूँ बस यहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह ही आया था, रात को नींद आई नहीं, मैंने सोचा आज मैं सोऊंगा, कल से घूमना शुरू करूंगा। तो अभी आज शाम को भी जाऊंगा मैं, शाम को कोई मार्केट वगैरह घूमूंगा और फिर इस वीडियो को खत्म कर देंगे हम लोग। भाई अभी यहाँ पे दोपहर का 2 बज गया है, और आज यहाँ पे ठंड, वैसे तो गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम है यहाँ पे, लेकिन आज ठंड हो रखी है। तो मैं निकला हूँ थोड़ा सा खाना पीना खाने, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ देखने लायक दिखेगा तो मैं दिखा भी दूंगा, और खाना तो मुझे खाना ही है। सुबह यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, यहाँ पे बदल, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, और रोड वगैरह सब खाली है यार, क्या बात है, रोड वगैरह सब खाली है यहाँ की, वो भी बैंकॉक की सड़कें। देखो एक बार यार आप लोगों को फ्लाइट का भी बता दूं, इंडिया से यदि आप लोग पहले फ्लाइट बुक करते हैं ना, तो आप लोगों को काफ़ी है ना जो सस्ती पड़ने वाली है। जैसे मैंने क्या है कि 2 दिन पहले ही बुक किया था, एक्चुअली जब मैंने बुक किया था उस टाइम मैंने जयपुर से बुक किया था, जयपुर से मुझे पड़ी थी 12,000 की। बाकी आप 15-20-25 दिन पहले बुक करते हैं तो आप लोगों को मतलब इंडिया में कहीं से मान लो
8,000 से 10,000 में थाईलैंड की बैंकॉक की फ्लाइट मिल जाएगी आराम से। तो आप लोग पहले बुक कर लेना थोड़ा सा। तो अब चलते हैं भाई, थोड़ा सा रोड क्रॉस करते हैं। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट फूड की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ये देखो, आप लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे यार, ये क्या है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ ये। मैंने आप लोगों ने देखे होंगे लेकिन मैं पहले कभी नहीं देखा ये। और ये यहाँ पे अभी मैं भी खाऊंगा भाई, इनमें से कुछ ट्राई करूंगा स्ट्रीट फूड देखे। क्या ट्राई करें यार, चिकन ले क्या, चिकन। ये देखो यहाँ पे चिकन वगैरह है। ये मार्केट नाइट में और भी मस्त दिखता है यार, नाइट में और दिखाऊंगा आप लोगों को ये मार्केट। सेवेंटी फाइव बात। ओके, ये भाई 75 बात का ना एक पैकेट ये दे रहे हैं। इसी चिकन है। ओके, फिश एक ले ही लेता हूँ यार। दिस इज चिकन। ओके, गिव मी दिस वन। ये चिकन वाले लेता हूँ भाई एक प्लेट, 65 बात की है एक। होटल ले जाके खा लूंगा यार, यहाँ तो खैर इन्होंने खाने का यहाँ पे इन्होंने जुगाड़ नहीं कर रखा, लेकिन होटल जाके ही खाऊंगा मैं भी। पैक करवा रहा हूँ यहाँ से ग्रोसरी होटल। 20। ओके, थैंक यू। ये बात बैठने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा पैक करवा लेता हूँ और होटल जाके खाऊंगा। 65 बात का दिया, 65 बात इंडियन करेंसी की बात करूँ तो लगभग 150 इंडियन रुपीज के लगभग होता है। आप लोग यदि सोलो ट्रेवलर है ना तो आप एक खोसान जो जगह है यहाँ पे होटल हॉस्टल वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, सिटी सेंटर है और आप लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं खोसान में। भाई देखो, ये है चिकन और नीचे है राइस और ये कुछ ब्रोकली वगैरह, स्पिनच वगैरह और ये यहाँ के छोटे वाले टमाटर, ये है कैरेट, गाजर। स्पाइसी नहीं है, थोड़ा मीठापन है और मेरे को स्पाइसी खाना पसंद भी नहीं है। सही बताऊँ तो राजस्थान से हूँ, आप लोग सोचोगे राजस्थान वालों को स्पाइसी, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे। बस मिर्ची ना भी हो ना तो भी चलेगा मेरे लिए, ऐसा है। तो भाई शाम का टाइम हो गया, यहाँ पे 6 बज गए और 6 बजे मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार बाहर निकला जाए यार, सारे दिन होटल में पड़ा पड़ा, हॉस्टल में पड़ा पड़ा क्या करेगा, थोड़ा घूमने आया या सोने आया यहाँ पे। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा निकला हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा हम लोग मार्केट वगैरह घूमेंगे। और यार यहाँ की नाइट लाइफ है ना बैंकॉक की, तो वो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बाद में दिखाऊँ एक अलग से सेपरेट वीडियो में, क्योंकि इसमें फिर बहुत गालमेल हो जाएगा इंडिया जयपुर से बैंकॉक, फिर वो इमिग्रेशन वगैरह, फिर थोड़ा सा यहाँ का मार्केट वगैरह, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक नाइट लाइफ का तो एक अलग से वीडियो बनाया जाए। तो अभी तो थोड़ा सा हम लोग घूमते हैं मार्केट, और मार्केट घूमने के बाद फिर मैं शाम को अभी थोड़ी देर मार्केट घूम के और फिर मैं वापस होटल चला जाऊंगा, फिर रात में 7-8 बजे फिर से आऊंगा यहाँ पे, फिर नाइट लाइफ का वीडियो। हालांकि मैं आज नहीं बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा कल, क्योंकि आज तो इतना एनर्जी भी नहीं है ना, ट्रेवलिंग करते हुए आ रहे हैं। ये देखो, ये कोई टेम्पल वगैरह है यहाँ पे, अंदर तो पता नहीं एंट्री है या नहीं है, बाद में देखेंगे, शायद एंट्री है यहाँ से लेकिन कोई आ जा नहीं रहा है इसमें। और ये अभी जहाँ पे जो खोसान रोड है ना, खोसान यहाँ का सिटी सेंटर मान लो, वहीं पे मैं हूँ अभी। जब मैं वहाँ पे गया था, बाली गया था, बाली से थोड़ी सी मिलती जुलती वाइब्स आ रही है, लेकिन काफ़ी कुछ सिमिलर भी है, काफ़ी कुछ डिफरेंट भी है बाली से, ऐसा नहीं एकदम सेम डिट्टो बाली है। ये मार्केट यार रात को और भी ज़बरदस्त हो जाता है। अभी तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगी रही है, ये स्टॉल वगैरह जब खाने वाने की पूरी तैयार हो जाएगी ना, फिर रात को भाई रात को आएगा यहाँ पे मज़ा। यहाँ पे कपड़े वगैरह, मैंगो, अभी यहाँ पे मैंगो का सीज़न, गर्मी है ना अभी, मैंगो का सीज़न चल रहा है यहाँ पे। ये क्या है, ऑटो, ऑटो मस्त है भाई। लेकिन यहाँ पे देखो, ये कपड़े वगैरह ना, टी शर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये। मेरा मन किया ना तो यहाँ पे, क्योंकि मुझे चाहिए होगी टी शर्ट वगैरह, तो टी शर्ट वगैरह चाहिए होगी, तो मेरा मन किया ना तो मैं लूंगा जरूर टी शर्ट वगैरह।
ये देखो यहाँ पे थाई मसाज, वो मोहतरमा है जो थाई मसाज के, यहाँ पे आप लोगों को देखो ये थाई मसाज के काफी सारी लेडीज मोहतरमा है जो बोर्ड लेके मिल जाएगी आप लोगों को। सही है भाई, थाई मसाज किसी को करवाना हो तो आ जाइए। ये खोसान रोड में मैं जो जगह दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को लेडीज वगैरह मिल जाएगी थाई मसाज करवाने के लिए। मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है, वाली शर्ट खरीदूंगा, ये वाले बिल्कुल कंफर्टेबल लगते हैं। ऐसे मार्केट वगैरह को एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। यहाँ पे नई नई चीजें देखने को मिलती है ना, इसलिए यहाँ पे देखो गॉगल्स वगैरह चश्मा वगैरह मैं लूंगा ही, बाद में लूंगा ये तो सब। यार ये मार्केट का ना रात में वीडियो बनाने में मजा आएगा भाई, रात में बनाएंगे एक वीडियो इसका। अभी तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन हो रही है नाइट की, अभी यहाँ पे रात को जो महफिल जमेगी ना, जो रंगत जमेगी वो रात को जमेगी, वो मोहतरमा आए लो कर रही है जो महफिल जमेगी वो रात को जमेगी भाई। यहाँ पे टैटू वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देखो थाई मसाज, थाई फुट ऑयल, यहाँ पे लोगों ने टाइम भी दे रखा है 1. आधे घंटे का 150 भात। सही है भाई, चलो यार इस मार्केट का ना ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वरना आप लोगों को फिर बाद में दिखाऊंगा ना पूरा वीडियो, जब जाएंगे नाइट लाइफ वगैरह सब दिखाऊंगा तब आप लोगों के लिए शायद बोरिंग हो जाएगा। आई एम अलोन, बट आई कैन गो विद एनी ग्रुप, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन गो विद एनी ट्रिप। 500 बात गोई गो एंड बैक होटल, यस सर। 500 बात, या आई हैव टैक्सी, नो प्रॉब्लम, फूडिंग मार्केट एंड ट्रेन मार्केट, गो एंड बैक होटल। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लोटिंग मार्केट? यस सर। व्हिच वन? देयर आर टू मार्केट्स, टू मार्केट, या देयर आर, व्हिच वन इज दिस? या दिस वन एंड दिस वन। ओके, यस सर, आई थिंक यू गो एंड बैक, यू गिव मी द होटल, आई पिक अप टू होटल लाइक टुमारो, आई हैव टैक्सी, नो प्रॉब्लम, श्योर। यू हैव टैक्सी? हम, सो हाउ मेनी पीपल वी विल बी? ओनली वन। 500 बात, यस। ओके, गो Go and back. No. I need to pay any amount there. You go to see in the buy ticket for boat there. वो भाई actually यहाँ से यार एक ट्रेन मार्केट है, एक फ्लोटिंग मार्केट भी है और क्रोकोडाइल मार्केट भी है, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स वगैरह है। तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं तुम्हें वहाँ लेके चलूंगा, मैंने बोला यार अभी तो देखो मेरा कल का कुछ प्लान का कुछ फिक्स नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, शाम को फोन कर लूंगा। 500 बात मांग रहा था यार, 500 बात जाने का आने का, यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 1000 रुपये में ये मेरे को लेके और वापस यहाँ पे छोड़ भी देगा? दाल में कुछ काला है भाई, समझ में नहीं आ रहा इतने सस्ते में कैसे करवा सकता है कोई। और इंडियन करेंसी और थाई बात की बात करें ना, तो एक थाई बात में होते हैं 2 रुपया और 38 पैसे, तो अपन मोटा मोटा हिसाब लेंगे ना, वो 2.5 रुपये का हिसाब ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। थोड़ा सा फर्क आएगा, 2-4-5 रुपये का फर्क आएगा, तो इतना सा तो ऊपर नीचे चलता रहता है यार। अभी यहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज करवा लिया है, तो मैंने सोचा मेरे पास सारे नोट है तो एक बार आप लोगों को दिखाई दूँ। देखो ये है 20 थाई भात, ये है 50 थाई भात, ये है 100 थाई भात, 500 थाई भात, ये है सबसे बड़ा नोट 1000 थाई भात का। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की करेंसी तो देखो दिखाना बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई करेंसी दिखा दिया करो यार, कैसी करेंसी होती है। और मैं करेंसी कलेक्ट भी करता हूँ हर कंट्री की, मतलब 5-7 नोट मैं लेके आता हूँ। अब यहाँ से मैं 5-7 नोट और 5-7 सिक्के मैं लेके जाऊंगा थाईलैंड के भी, हर कंट्री के लेके जाता हूँ, मेरे को शौक है। अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, चेहरा ही पता नहीं चिपचिपा सा दिख रहा है, धोखे भी नहीं आया, मैं सो रहा था, मैं उठ के ऐसे ही घूमने आ गया, चेहरा भी नहीं धोके आया मैं। अभी मैं यहाँ खोसान स्ट्रीट में ही घूम रहा था, तो मैंने सोचा यार एक कोई रेस्टोरेंट था, मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना एक छोटा सा बियर का सिप मारा जाए, तो मैंने एक बियर ऑर्डर की है, यह है 100 बात की, 100 बात हो गए 238 इंडियन रुपीज। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक किया है चिकन सैंडविच ऑर्डर किया है, और वो बियर थी चिकन सैंडविच है जो 80 बात का है, लगभग 180 रुपये का ये सैंडविच है और 238 रुपये की ये बियर है। अब आप देख लो यार यहाँ पे ये तो काफी महंगा लगा भाई मुझे। यहाँ का खाना एक तो स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह मिर्च मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते, ये देखो फीका फीका है। गाइज मैं आ गया वापस से मेरे हॉस्टल को, और अभी यहाँ पे टाइम वैसे ज्यादा नहीं हुआ है, अभी टाइम हुआ है लगभग 7:30-8 बजे शाम का, 7:30 के लगभग हो गया। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा मोटा मोटा ट्रेलर था थाईलैंड ट्रिप का, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे अपना जो थाईलैंड ट्रिप है वो, आज तो थोड़ा सा बस आगे पहुंचा ही था।
आज मेरा नाइट लाइफ वगैरह या कुछ और एक्सप्लोर करने का मन भी नहीं था, क्योंकि कल बहुत लंबी फ्लाइट लेके 4-5 घंटे की फ्लाइट थी। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।